हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर टू, जिसके अंदर आप लोगों को ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें आप लोगों के जो ऑप्शन है, दो ऑप्शन वो ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। थर्ड ऑप्शन आप लोगों को मिलता है एजुकेशन पॉलिसी इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग। तो इसको हम जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस को जानना, ताकि आपको पता रहे एग्जैक्टली अब वो पढ़ना क्या है और आपकी बुक में वो है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको आप सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। तो ये आप लोगों का जो सिलेबस है राजस्थान यूनिवर्सिटी का है, और इसको हम पढ़ेंगे यूनिट वाइज। 5 यूनिट्स इसमें होती हैं। इससे पहले जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। 100 मार्क्स का ये आप लोगों का एग्जाम होता है, पेपर होता है, जिसमें 75 मार्क्स की थ्योरी होती है, 25 मार्क्स का आप लोगों का इंटरनल होता है। तो यूनिट 1 देख लेते हैं हम सबसे पहले, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। तो इसमें आपका सबसे पहले जो यूनिट है, इसमें फर्स्ट टॉपिक आपको दिया गया है मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एट नेशनल लेवल। देन है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। देन है आप लोगों का नेशनल ग्रांट्स टू स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद है आपका ब्यूरोज डिवीज़न ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ HRD और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है आप लोगों का मेजर एक्टिविटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ MHRD। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन। और इसके बाद है आप लोगों का स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन नीड इम्पॉर्टेंस एंड लिमिटेशन। देन है आप लोगों का रिकमेंडेशंस ऑफ कमेटी ऑन रोल ऑफ स्टेट एंड लोकल बॉडीज। नेक्स्ट आप लोगों का आ जाता है यूनिट 2। यूनिट 2 है आप लोगों का इश्यूज कंसर्न एंड चैलेंजेस। और देखिए आप लोग इसको सिलेबस को देख रहे हैं, इसके डीपली नॉलेज ज़रूर लीजिएगा आप लोग। तो इसके अंदर हमारे को जो सबसे पहले पढ़ना है वो है हमारा इश्यूज चैलेंजेस इन एलिमेंट्री एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एट नेशनल स्टेट एंड लोकल लेवल। नेक्स्ट आप लोगों का आ जाता है लोकल बॉडीज। तो इसमें रहेगा आपका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनसिपालिटीज, प्रेजेंट पोजीशन ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन एलिमेंट्री एजुकेशन। नेक्स्ट है आप लोगों का डिवीजन ऑफ अथॉरिटी बिटवीन स्टेट एंड लोकल बॉडीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, स्टेट ग्रांट्स टू लोकल बॉडीज। नेक्स्ट आप लोगों का यूनिट 3 आ जाता है। यूनिट 3 में है स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप 1, जिसमें है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न व्यू ऑफ स्कूल। देन है आपका स्कूल एज अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट है वेज एंड मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग ऑफ स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप। नेक्स्ट है आपका न्यू एक्ट ऑक्ट 2006 टू स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एंड राइट्स 2009, एजुकेशन फंड्स, PTA, मदर्स एसोसिएशंस, ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन। नेक्स्ट आप लोगों का यूनिट 5 आ जाता है। यूनिट 5 है आप लोगों के स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप 2। तो इसके अंदर है आप लोगों का प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर्स। नेक्स्ट है लिंकेज विद NGOs, कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशन, NRIs, कन्वर्जेंस विद अदर डिपार्टमेंट्स सच एज हेल्थ, वुमेन एंड वेल, चाइल्ड वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, माइनॉरिटीज वेलफेयर, डिजेबल वेलफेयर एंड पंचायत डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट है इसमें आप लोगों का लिंकेज विद NGOs, कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशंस, NRIs, कन्वर्जेंस विद अदर डिपार्टमेंट्स। इसके बाद आप लोग की यूनिट 5 आ जाती है। यूनिट 5 में आप लोगों का स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें है नीड्स फॉर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड इन्फ्लुएंस फैक्टर्स। नेक्स्ट इसमें मेन चेंजिंग कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रिंसिपल एंड टीचर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्री एंड कंपल्सरी एक्ट। नेक्स्ट इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल, मीनिंग, टाइप्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन शेपिंग स्कूल परफॉर्मेंस। देन आप लोगों का लास्ट जो इसमें टॉपिक है वो है SMC एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरीके से आप लोगों का ये 5 यूनिट्स का सिलेबस है। टोटल 75 मार्क्स की थ्योरी है, जिसके अंदर 25 मार्क्स का आपका इंटरनल है। और जिन बच्चों को देखिए ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, पर्सनल क्लास लेना चाहते हैं, डीपली पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। तो कॉन्टैक्ट नंबर के जरिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को जो है फेस टू फेस क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं, ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और हम लोगों की ऐप भी है हॉक्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से, तो उस ऐप को आप लोग ज़रूर डाउनलोड करें और हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, उनको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर बांटें। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।